आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक्वेरियम के अंदर ही, मरीन एक्वेरियम के अंदर ही आप सम्प कैसे लगाएंगे और आपको ग्लास में होल कैसे करवाना पड़ेगा। तो देखिए मेरा पूरा वीडियो, अभी आप लोग देखिए कि ग्लास में होल कैसे करवाना है। मैंने ब्लू कलर का ग्लास यूज़ किया है जिससे कि देखने में अच्छा लगे और एक्वेरियम भी इस साइड में रहेगा, तो उसमें आपको पोस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना ब्लू कलर की सीनरी इस वजह से। तो एक्चुअल में आप इसे कॉर्नर सम्प भी बोल सकते हैं। ये मैं मरीन के एक्वेरियम के अंदर ही लगाने वाला हूँ। देखिए अभी ग्लास में होल हो रहा है, यही ग्लास यूज़ करूँगा मैं आपके सम्प में, जो कि एकदम कॉर्नर सम्प होगा। इसे बोलते हैं मरीन कॉर्नर सम्प। ये आप में आपको इन्वर्टर या बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये कंटिन्यू वर्क करता रहेगा। इस ग्लास में करीब 8 होल होंगे जिसमें से एक रिटर्निंग पंप रहेगा, बाकी पानी खुद ही अपने प्रेशर से सम्प के अंदर आता रहेगा कंटिन्यू। वापस भेजने के लिए बस एक आपको रिटर्निंग पंप लगाना पड़ेगा। स्कीमर मरीन के लिए आवश्यक होता है, बहुत ही ज़रूरी। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये भी एक होल मैंने आप लोगों के सामने दिखा दी कैसे हुआ है, कैसे होता है। और फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 होल मैंने नीचे करवाए हैं। इसके नीचे यहाँ से पानी अंदर जाएगा, ये नीचे, और फिर यहाँ से रिटर्निंग पंप से ऊपर से बाहर आएगा। तो ये मैंने बनाया है, मैं बना रहा हूँ विदाउट सम्प का मरीन, कि जो सम्प है फिल्ट्रेशन है वो सारा एक ही टैंक के अंदर होगा। इसमें आपको इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना इन्वर्टर के ही चलेगा और आपको साइलेंसर बंद होने के स्टार्ट करने की कोई टेंशन नहीं रहेगी और ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ पूरी प्रोसेस। तो आप लोग देखिए भी मैंने एक पल्ला तैयार कर लिया है, टैंक पहले ही बना था। तो अरे मैं इसका जो साइलेंसर बनाया था इसे निकाल दूंगा, इसका कोई काम नहीं रह गया है। अब मैं इसी में पार्टीशन करूंगा और उस पार्टीशन में ही इसका सम्प और ये स्कीमर लगाने का सिस्टम बनाऊंगा। अभी मैं इसका स्कीमर निकाल रहा हूं। अगर आप ही मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल में पहली बार आए हुए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देखते रहिए आप मेरा पूरा वीडियो। इसको बनाने के पहले मैं इसको रख के पहले इसकी साइज ले लूँगा, ये जगह कितना ले रहा है और इसका पानी निकलने के लिए कितना इसको जगह चाहिए, हाइट कितनी आ रही है। ये मैंने स्कीमर लगाया, देखिए कितनी जगह ले रहा है, इसी के हिसाब से मुझे वो बनाना पड़ेगा। मैं इसका ऊपर वाला सेक्शन लगा रहा हूँ स्कीमर का, अब इसकी पाइप उस तरफ कर देंगे। अब मैं कांच लाया हूँ जिसके अंदर डाला हूँ, स्कीमर भी मैं इसके अंदर डाल के साइज ले रहा हूँ कि स्कीमर को फिट करने में प्रॉब्लम ना हो और ये लाइट जो लगेंगी उसकी हैंग करने में दिक्कत हो। तो पीछे मैंने ब्लू कलर का अंदर पोस्टर लगा दिया था, सबसे पहले पोस्टर को काटना पड़ेगा जिसे वहाँ पे चिपक गया है अच्छे से। इसके लिए मैं यहाँ से पिन से निशान मारूंगा, उतने के बीच में पोस्टर काट दूंगा। अरे मैंने पोस्टर काट दिया है, मैं इसको पोंछ देंगे, एकदम सूख जाना चाहिए, जहां जहां इसको सिलिकॉन चिपकाएंगे वहां वहां सूखना, नहीं सूखेगा तो फिर चिपकेगी नहीं सिलिकॉन अच्छे से। ये पोंछ गया, ये मैं फ्रंट तरफ सिलिकॉन लगा रहा हूँ। पहले मैं सिलिकॉन लगा के इसको डायरेक्ट इसी में जमा दूंगा। अभी नीचे तरफ लगा रहे हैं, पहले डाल के वो अपने इंसान को मिला के जरा सा ऊपर उठा के कांच की बराबरी मिला के और फिर सामने तरफ से दबा देंगे। ये दब दिया, फिर से निशान मार देंगे और ये इधर भी Thank you.
अभी मैंने इधर फ्रंट तरफ और नीचे तरफ चिपका दिया, इधर से करीब आधा इंची की जगह बची हुई, इसमें मैं आधा इंची की कांच की पट्टी लेकर उसको चिपकाऊंगा, जिससे कि मजबूती भी बनी रहे और बेस बढ़िया चिपक गया है। और मैंने जो कांच का इस्तेमाल करा है वो ब्लू कलर का कांच है, जिससे कि बैकग्राउंड भी ब्लू है और इधर भी ब्लू है, इससे समझ में नहीं आएगा, हिडन रहेगा आपका स्टीमर, फिल्ट्रेशन सारी चीजें, और ये आपका दिखेगा। अब मैं आपको इसे करीब 4-5 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देता हूँ, 4-5 घंटे बाद में इसमें आगे काम करूंगा।